भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो इससे अमेरिका, यूरोप और एशिया तक के देशों को समझ आ चुका है कि अगर भारत के हितों की बात होती है तो भारत झुकता नहीं है बल्कि अपने हितों के लिए लड़ता है। और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला है, जहां कुछ समय पहले इंडोनेशिया से ये खबर आई थी कि वो 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने का बड़ा फैसला ले सकता है। ये छोटी नहीं भारत के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। मौजूदा वक्त में भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है और इसमें से 70% पाम तेल इंडोनेशिया से भारत आता है। और अगर ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं भारत में जितने भी खाद्य तेल हैं उनके दाम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते। यहाँ हम आपको बता दें कि देश में सरसों के तेल के दाम उच्च स्तर पर हैं और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरजमुखी का जो तेल है उसकी सप्लाई बाधित होने के कारण बहुत महंगा हो चुका है। अब इंडोनेशिया के पाम तेल निर्यात रोकने के बाद इस पर भी महंगाई और बढ़ जाती, पर भारत की विदेश नीति ने अपना पूरा जोर लगा दिया और 28 अप्रैल आने से पहले ही इंडोनेशिया ने अपना फैसला ही बदल दिया। इंडोनेशिया केवल थोक और पैक्ड आरबीडी पाम ऑयल के निर्यात पर ही रोक लगाएगा, यानी कि जिसे प्रोसेस किया जाता है उस पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। जो रॉ और क्रूड पाम ऑयल है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और इतने सब घटनाक्रम हुए उसमें उल्टा भारत का ही फायदा हुआ है। जो भारत के पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है वो इंडोनेशिया से आने वाले रॉ पाम ऑयल को प्रोसेस करेंगे, यानी कि अब भारत में ही वो काम होगा जो पहले इंडोनेशिया करता था। अब भारतीय रिफाइनरियां ये काम करेंगी, इससे बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे यहाँ भारत की विदेश नीति एक साथ दो काम कर गई है जो भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।